गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हो टाइम हो गया 4:15। मैं डेली 4 बजे या 4:15 उठ जाती हूँ। अब 1 गिलास गर्म पानी पीकर मैं अपना पहला स्लॉट लगाऊंगी पढ़ाई का। मैं सुबह सुबह इंग्लिश करना प्रेफर करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश अपनी ओपन कर ली है। यहाँ मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो मैं सुबह सुबह याद कर लेती हूँ इंग्लिश की, वो कैप को अच्छे करने के लिए। सो फ्रेंड्स, नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और टाइम हो गया 6। मैं 2 घंटे सुबह पढ़ लेती हूँ। नहा धोकर थोड़ी पूजा कर लेते हैं। जय माता दी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब हम आ गए अपनी छत पर। यहाँ पर मैं सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए, मैं सूर्यदेव को डेली जल देती हूँ छत पर जाकर। सूर्य का जल देना भी अच्छा माना जाता है। ओम सूर्याय नमः। सो यहाँ पर मेरी और मम्मी की चाय बन चुकी है और माँ जी की भी मैंने बनाई है। मेरी दादी सास, उनको मैं यहाँ चाय देने जा रही हूँ। मम्मी को मैंने दे दी। यहाँ पर ये मेरा बेटा अथर्व, इसको मैं रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। ये स्कूल जाएगा, प्ले स्कूल में जाता है ये अभी। और यहाँ पर ये मुझसे शिकायत कर रहा था कि मम्मा, मेरी क्लास में दीदी है वो मेरी बोतल ले जाती है डेली और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, शेयर कर लेते हैं। तो ये देखो, इसकी पूरी ड्रामेबाजी हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसका लंच पैक कर दिया, इसकी वाटर बोतल रख दी है। ये मेरी बड़ी बेटी है। सो वहाँ देखो इसकी ड्रामेबाजियाँ देखो। चलो बाय। अब यहाँ पर मैं लग गई अपने दिन के कामों में। आज मुझे मशीन लगानी है, पर सबसे पहले मैंने अपना किचन में जाके अपने पतिदेव का लंच पैक किया, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है। 9 बजे को ऑफिस निकल जाते हैं। तो फटाफट पहले मैंने किचन में सब्जी तो मैंने बना दी है, बस मैं रोटी बना के लंच पैक कर रही हूँ उनका। और वो खाना खाने भी बैठे हैं, तो मैं उनके नाश्ते में भी वो 2 रोटी खा के जा रहे हैं। आज उन्होंने लहसुन की चटनी की डिमांड करी सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने लहसुन की चटनी बनाई है। ये बेटी मेरी कूदते हुए आ रही है, तो फटाफट मैंने यहाँ रोटी सेक दी है और मक्खन रखकर उनके लिए रोटी भी बना दी है, क्योंकि चटनी बनती है तो उन्हें मक्खन से ही खानी पसंद है। अब यहाँ पर इतने पतिदेव अपना नाश्ता कर रहे हैं, मैंने फटाफट उनकी शर्ट को आयरन कर दिया है। क्योंकि शर्ट तो मैं आयरन करके रख देती हूँ, बट सुबह जब वो ऑफिस जाते हैं तो एक बार दोबारा से मैं अच्छे से प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शर्ट प्रेस कर दी उनकी अच्छे से। यहाँ पर पतिदेव भी रेडी हो गए हैं, तो वो मुझसे शर्ट मांग रहे थे। मैंने कहा बस हो गई, तो यहाँ उनको शर्ट दे के मैं अपने काम पर लग गई। बाद मुझे मशीन लगानी थी, 2-3 दिन से मशीन नहीं लगी थी, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। तो फटाफट पहले मैंने मशीन का काम किया। इतने में मशीन लगाती हूँ बाहर, अंदर भी अपना सारा काम निपटाती रहती हूँ। बाहर मशीन लगा के आई तो सबसे पहले मैंने अपने रूम सेट करा। बच्चे बहुत ही गंदा कर देते हैं रूम को, पूछो मत। तो फटाफट से मैंने रूम अपनी सबसे पहले बेडशीट चेंज करी। आज मशीन लग रही थी तो मैंने पहले बेडशीट को चेंज किया है। 2 या 3 दिन में मेरी बेडशीट चेंज हो ही जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं बेडशीट को। तो यहाँ मैंने बेडशीट अपनी सेट कर ली है। उसके बाद मैंने डस्टिंग भी कर दी थी अच्छे से। साथ के साथ मैं डेली ही कपड़ा मार देती हूँ ताकि अच्छे से साफ रहे, मेरा काम भी नहीं फैलता। अगर मैं 2-3 दिन गैप ले लेती तो काम तो मेरा थोड़ा फैल जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए मैं डेली के डेली ही 5 मिनट निकाल कर फटाफट से सफाई कर देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने डस्टिंग भी अपने रूम के साथ कर दी है। तो यहाँ पर मैं अपनी डस्टिंग कर रही हूँ रूम की, ताकि मेरा रूम भी अच्छे से क्लीन रहे। बेशक मैं पढ़ाई करती हूँ, पर साथ के साथ मैं अपने घर के काम भी सही रखती हूँ, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मैं सुबह 6 से 10 के बीच में ये 4 घंटे लगा कर चलती हूँ। इनमें मैं अपना पूरा काम अपना फिनिश कर लेती हूँ। अब मैं अपना रूम साफ करके आई तो मैंने फटाफट, ये हमारा हॉल का एरिया है जहाँ पर सभी गेस्ट लोग आकर बैठते हैं,
तो मैंने फटाफट पहले इसे साफ़ करना शुरू किया है। ये मैंने सोफ़े के कवर अच्छे से झाड़ दिए हैं। इसके साथ मेरा बाहर का काम भी चल रहा है। मैंने अपनी मशीन लगाई हुई है और मशीन में से मैंने कपड़े निकाल कर बकेट में डाल दिया, उन्हें एक साथ वॉश कर दूँगी। इतने मेरा हॉल भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैंने सोचा पहले अच्छे से झाड़ कर डस्टिंग कर देती हूँ, जब डस्टिंग हो जाएगी तो मैं एक ही साथ झाड़ू पोछा कर देती हूँ। झाड़ू पोछा भी मैं खुद ही करती हूँ। यहाँ किचन का काम तो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। मैंने मेरे पतिदेव ऑफिस चले गए थे और छोटा बेटा मेरा स्कूल चला गया था, पर मेरी दोनों बेटियाँ, आज उनकी एग्ज़ाम हॉलीडे थी, कल उनका एग्ज़ाम है, तो वो आज घर पर ही थी। वो तो अपनी पढ़ाई का एक स्लॉट मैं सुबह 4 से 6 और एक स्लॉट 10 से 12 और रात को मैं रिवीजन करती हूँ। मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है बच्चों के साथ। अब मैं अपने काम से फ्री होकर पढ़ने बैठती, बट कल मेरी बेटियों का एग्ज़ाम है तो मैं उनकी प्रिपरेशन करा कर फिर अपना पढ़ने बैठूँगी। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट डस्टिंग का काम ख़त्म हो गया था, सिर्फ झाड़ू पोछा ही रहते थे। इसी बीच मैंने अपने कपड़े भी अच्छे से वॉश करके सुखा दिए छत पर। तो फटाफट मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा कर अपना पोछा लगा दिया था ताकि मैं अपना बच्चों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा सकूँ और साथ में अपनी भी कर सकूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो गया था। ये देखिए, आप देख सकते हो पूरा मेरा रूम, सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। किचन भी मेरी साफ़ हो गई थी, सब ने खाना भी खा लिया। सो आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।